वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 34th लेक्चर है। सो जॉब एनालिसिस के जो आउटकम्स होते हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, स्पेसिफिकेशन होता है और इवेल्यूएशन होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि इसके अंदर तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो जॉब के अंदर शामिल होती हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी जॉब के अंदर, एंड व्हाट टू डू, क्या करना है, कहाँ करना है, एंड इन विच एनवायरनमेंट और कौन से एनवायरनमेंट में करना है। सो टिपिकल जो जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट होता है उसमें जॉब टाइटल होता है, ड्यूटीज़ होती हैं, डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स, अथॉरिटी और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी वो। सो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, अब जॉब को करने के लिए कोई ना कोई ज़ाहरी बात है कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो तमाम रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। जो भी स्किल्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, एबिलिटीज़, ये तमाम चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं, पर्सनैलिटी। और फिर जॉब इवेल्यूशन। अब जॉब इवेल्यूशन क्या करती है, ये इवेल्यूएट करती है वर्थ ऑफ जॉब, कि एक जॉब की कितनी वर्थ है, यानी इस्टेब्लिश जॉब कंपेरेटिबिलिटी एक जॉब दूसरी जॉब के मुकाबले में। और फिर कंपनसेशन भी जाहिर बात है उसका डिसाइड किया जाता है इसी बेस के ऊपर जो उतनी उसकी वर्थ है, और रिलेटिव वैल्यू भी, एंड दी कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। सो HR रिस्पॉन्सिव टू चेंज। अब चेंज हर जगह आ रहा है तो HR उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा। सो न्यू जॉब कंपोनेंट्स, अब जो आजकल की जो जॉब है उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती जा रही है, एक तो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, कंप्यूटर का यूज़ जो है वो तकरीबन लाजमी होता जा रहा है हर जॉब के लिए, और टेक्निकल स्किल्स जो है वो तो सारी बातें रिक्वायर्ड होते हैं, टीम स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनके अंदर टेक्निकल स्किल्स हैं, और सारी बातें इंटरपर्सनल स्किल्स हैं इनके मिल के काम करने वाले स्किल्स, ऐसे स्किल्स जिसके जरिए मिल के काम कर सकें। सो रिक्रूटिंग के गोल जो है दो हैं, अट्रैक्ट करना पोटेंशियल को और नॉट क्वालिफाइड को डिस्करेज करना। पोटेंशियल को अट्रैक्ट किया जाए और इस तरीके से अट्रैक्ट किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए उनको अच्छी तरह से ताकि वो रिस्पॉन्ड करें, और जितने ज़्यादा पोटेंशियल अट्रैक्ट होंगे उतना बेटर होता है, और जो अनक्वालिफाइड है वो सेल्फ सेलेक्ट आउट, अपने आप को खुद ही आउट कर लें बेहतर है, इससे पैसा भी बचता है और टाइम भी बचता है, और जितने कम होंगे वो उतना बेहतर होगा। सो सिलेक्शन होती है जब अट्रैक्ट कर लिया जाता है, अट्रैक्ट तो सिलेक्शन में क्या होती है, जजमेंट होती है नॉट अबाउट द एप्लीकेंट बट फिट के बारे में, जो पर्सन और जॉब है उसके दरमियान एक फिट बिठाना होता है कि दोनों के दरमियान एक फिट बैठ जाए। तो इसके जो स्टेप्स हैं जाहिर बात है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहले जो है वो इंटरेस्टेड जो भी एप्लीकेंट होता है वो अपनी रेज्यूमे वगैरह भेजता है, फिर उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, गोस थ्रू सिलेक्शन टेस्ट होता है उसका, बैकग्राउंड की उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर फाइनल इंटरव्यू होता है, फिर कंडीशनल जॉब ऑफर की जाती है, फिर मेडिकल या ड्रग टेस्ट होता है, और उसके बाद फिर प्लेस्ड इन जॉब। सो इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो मोस्ट एप्लीकेबल हैं, वैल्यूएबल हैं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं असिस करने के लिए एप्लीकेंट इम्प्लाइड मेंटल स्किल्स, जो उसके मेंटल स्किल्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए, जो लेवल ऑफ कंसाइंटियसनेस है यानी कि कितना ज़्यादा वो डिज़ायर करता है, डिज़ायर टू डू अ टास्क वेल, यानी कि उसका टास्क को अच्छा करने के लिए कितना डिज़ायर है, एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, इन तमाम स्किल्स को टेस्ट करने के लिए इंटरव्यू बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। एंड टू असिस एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन फिट, और इसके अलावा असिस करना कि एप्लीकेंट जो है उसका और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान फिट बैठ रहा है या नहीं। सो कॉमन इंटरव्यूइंग मिस्टेक, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, स्नैप जजमेंट होती है यानी कि जल्दी से जो है वो जजमेंट ले ली जाती है, जो शुरुआती एप्लीकेंट होते हैं उनके उनसे इंप्रेस्ड हो जाते हैं, नेगेटिव एम्फेसिस भी होता है, कुछ नेगेटिविटी होती है कुछ तरह कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ तरह के लोगों के बारे में, तो उससे भी गलती हो जाती है। नॉट नोइंग द जॉब, आप जो इंटरव्यू ले रहा है वो उस जॉब को जानता ही नहीं है, तो ये भी एक जाहिर बात है इससे होता है। प्रेशर टू हायर होता है, अब प्रेशर टू हायर दो तरह का हो सकता है, एक तरफ तो ये कि किसी शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि इसको लाजमी रखना है, और दूसरी तरफ टाइम का प्रेशर है, जल्दी है, ये भी हो सकता है। उसके अलावा कैंडिडेट ऑर्डर एरर, अब ऑर्डर एरर कुछ ऐसा होता है कि शुरुआती लोग आए वो कुछ ऐसे थे जो बिलो एवरेज थे, अब बिलो एवरेज आने की वजह से एक कैंडिडेट ऐसा आया जो एवरेज कैंडिडेट था, अब है तो वो एवरेज, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई खासियत नहीं है, लेकिन वो बिलो एवरेज वालों के आगे लग रहा है कि वजह से वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, हालांकि वो एक एवरेज कैंडिडेट है। उसके अलावा नॉन वर्बल बिहेवियर है किसी का, नॉन वर्बल एक्शन है, नॉन वर्बल से मुराद ये ऐसे एक्शन जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो, बॉडी लैंग्वेज वगैरह या कोई भी उसका गेटअप ऐसा है, उसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, और मतलब वो जो है उसकी बुनियाद पर फिर आप जो है गलत डिसीजन लेते हैं। एंड इंटरव्यूज आर बायस्ड होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके से इंटरव्यूज बायस हो सकते हैं, यानी इंप्रेशन मैनेजमेंट, फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होता है किसी का, उससे भी बायसनेस आ सकती है। उसके अलावा इंटरव्यूज़ की मेमोरी जो है वो ख़राब है, भूल जाता है वो, तो ऐसी सिचुएशन में नोट्स ले लेना चाहिए ताकि
कोई भी कैंडिडेट की क्वालिटी ऐसी है जो ज़रूरी है, तो जारी बात है वो मिस ना हो जाए। एंड व्हेन अ डिसीशन मेड, फर्स्ट फ्यू मिनट्स, अब शुरू के चंद जो मिनट्स होते हैं उनमें ही डिसीशंस ले लिया जाता है। तो जब इंटरव्यू देने जाए तो शुरू के जो कुछ मिनट्स हैं वो बड़े अहम होते हैं। सो कौन कौन सी चीज़ें इंटरव्यू को इन्फ्लुएंस करती हैं? प्रायर नॉलेज, किसी शख्स के बारे में पहले से कोई नॉलेज होना, स्टीरियोटाइप होना, किसी एक खास ग्रुप के बारे में कोई भी एक सोच बना लेना, जिस तरह हमारे यहाँ एक किस्म की सोच बनी हुई है कि रिलीजियस शख्स अगर कोई होगा तो उसके ख्यालात मतलब लाजमी जो है वो कुछ पुराने किस्म के होंगे। तो हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें, लेकिन एक हमारे यहाँ स्टेरियोटाइप बना हुआ है। सो ऑर्डर ऑफ इंटरव्यू वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इज इंपॉर्टेंट, जो जिस ऑर्डर में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है वो भी। एंड नेगेटिव गेट्स हाई वेट, अब जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा वेटेज मिल जाता है। सो सोशलाइजेशन, अब सोशलाइजेशन क्या है? द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशली विद अदर्स, दूसरों के साथ सोशली मिक्स होना। अब जब एक एम्प्लॉय आता है शुरू में तो वो सोशलाइज नहीं होता, उसको सोशलाइज करना होता है ताकि वो मिक्स हो जाए जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है इसके अंदर। सो स्टाफिंग ट्रेनिंग बैलेंसिंग एक्ट, अब ये बैलेंस करना होता है, एक तरफ जो है वो इसमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट है तो दूसरी तरफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। सो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और ट्रेनिंग होती है तो फिटिंग न्यू एम्प्लॉय एंड जॉब टुगेदर एंड मेक श्योर द एम्प्लॉय ग्रोज विद देयर जॉब। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जरिए मेक श्योर किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ ग्रो करें अपनी जॉब्स के साथ, तो एक तरह का बैलेंस जो है वो कायम रखना होता है। सो ट्रेनिंग दी जाती है, लर्निंग प्रिंसिपल्स, अब लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं लर्न किया जाता है वो किन किन तरीकों से किया जाता है? पार्टिसिपेट करके, डू बाय योरसेल्फ, बगैर पार्टिसिपेशन किए हुए, बगैर खुद से किए हुए इंसान लर्न नहीं कर सकता। रिपीट किया जाए बार बार, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं उनको रिपीट करना पड़ता है। और जाहिर बात है रिलीवेंसी हो, जो कुछ सिखाया जा रहा है वो जॉब से रिलीवेंट हो, और ट्रांसफरेंस हो। अब ट्रांसफरेंस से मुराद वो चीज़ जिसको सिखाया जा सके, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको सिखाया नहीं जा सकता, जो गॉड गिफ्टेड होती हैं कुछ चीज़ें उनको नहीं सिखाया जा सकता, तो वही चीज़ सिखाई जाए जिसको सिखाया जा सकता है। उसके अलावा फीडबैक भी होता है कि पता चले कि जो लर्निंग जो सिखाया जा रहा है वो कितना सीख रहे हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स से फीडबैक लिया जाता है, वीयू वाले भी फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट्स से, तो वो फीडबैक इसीलिए लिया जाता है ताकि पता चले कि किस हद तक लर्निंग हो रही है। सो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी? एक तो बेसिक लिटरेसी स्किल, अब आज के दौर में लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं कि वो बेसिक चीज़ें बुनियादी चीज़ें तक भूल जाते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स तक लोगों की, कई लोग ऐसे हैं उनकी वीक हो चुकी है इसी वजह से, क्योंकि वो बाकी चीज़ों पर उनका एडवांस चीज़ों पर तो उनका फोकस है लेकिन बेसिक चीज़ों पर फोकस नहीं है। इस तरह टेक्निकल स्किल्स तो जारी बात है वो तो है ही ज़रूरी, इंटरपर्सनल स्किल्स ताकि मिल के काम कर सकें, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ये तमाम जो है वो। ये था आज का लेसन, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।